अमित नाम से अग्निवीर भर्ती में शामिल होने आया था ताहिर गिरफ्तार। उत्तराखंड के रानीखेत में हो रही भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती में फर्जी दस्तावेज लगाकर भर्ती होने का मामला सामने आया है। अग्निवीर भर्ती के लिए आए युवा के दस्तावेज और प्रवेश पत्र में गड़बड़ी होने के चलते सेना के अधिकारियों को उस पर शक हुआ, जिसके बाद संदिग्ध युवक को सेना के अधिकारियों ने पुलिस के हवाले कर दिया। सोमनाथ ग्राउंड रानीखेत में भर्ती के दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री पुलिस एवं भर्ती कार्यालय की संयुक्त कार्यवाही के दौरान एक युवक को फर्जी दस्तावेजों के होने की शक पर पकड़कर पुलिस को सूचित कर हैंड ओवर किया गया। तत्पश्चात रानीखेत पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो पाया कि एक युवक जिसका नाम ताहिर खान पुत्र एहसान खान निवासी अलीपुरा थाना ककोड़ तहसील सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जिसके द्वारा अपने फर्जी स्थायी निवास जाति निवास प्रमाण पत्र आधार कार्ड जनपद नैनीताल के हल्द्वानी से बनाए गए है। ताहिर खान को निर्गत एडमिट कार्ड में दर्ज रजिस्ट्रेशन नंबर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर है। प्रकरण में एआरओ भर्ती बोर्ड की तहरीर के आधार पर ताहिर खान उपरोक्त को गिरफ्तार कर कोतवाली रानीखेत में धारा 420 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गई है। रानीखेत सीओ डीआर वर्मा ने बताया कि अग्निवीर भर्ती होने आए उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के ताहिर ने अपना प्रवेश पत्र अमित के नाम से बनवाया था, जिस पर सेना के अधिकारियों को शक हुआ और उन्होंने संदिग्ध युवक की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। जो भर्ती के लिए आया था, क्या कहेंगे? देखिए, कल की बात है, ये आर्मी से कोई कर्नल है मिश्रा जी, उनका फोन आया मेरे पास कि हम लोगों ने किसी के डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं तो उसमें कुछ संदिग्धता प्रतीत हो रही है। तो मैंने यहाँ से थाने से टीम भेजी तो उसमें पूरी जानकारी दी गई। तो एक अमित नाम के लड़के से भर्ती में रजिस्ट्रेशन हो रखा था, जो अग्निवीर भर्ती चल रही है हमारे यहाँ पिछले 20 तारीख से। तो उसमें कल की बात है, ये तो यहाँ से टीम भेजी तो उसमें वो मामला संदिग्ध पाया गया। एक अमित नाम से जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसके जब वो डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो यहाँ पर वो ताहिर नाम से पाया गया। ताहिर नाम का लड़का है ये और रहने वाला है बुलंदशहर का, और इसने यहाँ पे सर्टिफिकेट जो बनवाए यहाँ हल्द्वानी एसडीएम कोर्ट से इसने अपना स्थायी निवास का बनवाया, और गदरपुर से एक हाई स्कूल का प्रमाण पत्र बनवा रखा है। तो उसमें प्रथम दृष्टया देखने से पाया गया है कि इसने रहने वाला ये बुलंदशहर का है, और ये आर्मी में भर्ती होने के लिए इसने स्थायी निवास यहाँ उत्तराखंड का हल्द्वानी से बनवा के और ये भर्ती होने का प्रयास कर रहा था। इसमें आर्मी की तरफ से एक हमें तहरीर दी गई है, उसके अनुसार हमने इसमें मुकदमा लिख दिया है और इन्वेस्टिगेशन हमारे SSI कर रहे हैं। इसमें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, इसको रिमांड पर लिया जा रहा है, आज रिमांड लिया जा रहा है इसका, जेल भेजा जाएगा माननीय न्यायालय के आदेश से जैसा भी होगा, और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन होगा, तो इसमें लग रहा है कि कुछ और लोगों की भी संदिग्धता प्रतीत हो रही है, तो हम इसके लास्ट तक जाएंगे और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर उनको जेल भेजेंगे। ओके।